नमस्कार, उनकी कलम मेरी आवाज में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं साधना जी द्वारा लिखी गई कहानी कटाक्ष। फोन लगातार बजता जा रहा था, नंबर शिशिर का ही था। उफ, खाना भी ढंग से नहीं खाने देता। हेलो, फोन उठाते ही मिश्री घुली आवाज कानों में पड़ी। ये हूं क्या लगा रखा है, बात करो। मैं हूं। मैंने एक लंबी हुंकार भरी। आलू के पराठे का बड़ा टुकड़ा अभी भी मेरे हलक में था। जल्दी जल्दी आधा अधूरा कौर चबाकर मैं झुंझलाई, उफ शेर, खाना भी ठीक से नहीं खाने देते। अच्छा बोलो, क्या तकलीफ हो गई तुम्हें? बस बैठे बैठे तुम्हारी याद आ गई, वैसे आज बहुत जम रही हो। या फोन पर तस्वीर का आविष्कार शायद अभी तक नहीं हुआ है, मैंने हंसकर कहा। अच्छा बोलो, कितने लोग आ रहे हैं? यू आर सो इंटेलिजेंट डियर, तुम मेरे मन की बात कैसे जान जाती हो? 3 साल से इसी पर तो रिसर्च कर रही हूँ। अच्छा बताओ, क्या क्या बनाना है? वही बिरयानी, कोरमा और लच्छेदार पराठे। कहो तो मैं लेता आऊँ। तुम परेशान मत हो, ऑफिस से निकलते हुए मैं ले आऊंगी। ऑफिस के सामने जो ढाबा है वो अच्छा बनाता है, पर बिरयानी वेज ही होगी। पता है बाबा, जब से तुम पेटा क्लब की मेंबर बनी हो तब से नॉन वेज ना खाती हो ना बनाती हो। शिशिर की बात पर मैं हंस दी। मुझे पता था, आजकल शिशिर की खास मीटिंग चल रही है जिसमें कुछ लोग बाहर से भी आए हैं। ऑफिस से निकलकर मैंने जहांगीर ढाबे से पराठे लिए, फिर टेम्पो कर लिया। बस करती तो देर हो जाती। घर पहुंचकर ताला खोला और हाथों का सामान लिए अंदर पहुंची। जल्दी जल्दी साड़ी उतार कर गाउन पहन लिया। फ्रिज खोला तो दही, उबले आलू, लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार रखा था। इतना मैं अक्सर तैयार रखती हूँ। घड़ी में समय देखा, 7 बज चुके थे। बाथरूम में जाकर मैंने हाथ मुंह धोए, फिर कपड़ों की अलमारी खोली। लाल ऑफ वाइट तांत की साड़ी पर खुद ब खुद मेरा हाथ चला गया। यह रंग मुझ पर खूब फवता है। वैसे भी हर औरत अपनी सुंदरता की चमक दूसरों की आंखों में देखना चाहती है। मैंने वही साड़ी पहन ली। बालों का जूड़ा बनाकर होठों पर हल्की लिपस्टिक भी लगा ली। फिर कपड़े की अलमारी में रखा अपना मनपसंद परफ्यूम लगाया। सब कुछ तैयार था तभी डोरबेल बजी। सामने शिशिर खड़ा था, साथ में 2 लोग और भी थे। सॉरी डियर, आने में कुछ देर हो गई, अंदर आने की इजाज़त तो है ना? अरे क्या बोल रहे हो, साथ में कोई है तुम्हारे? मैंने शिशिर को घूरा। ज्योति, इनसे मिलो, हमारे बॉस मिस्टर आदित्य राय। ये मेरे कलीग मिस्टर सुब्रतो और सर, ये है मेरी वाइफ ज्योति। मैं मानो आसमान से गिरी। ये मैं क्या देख रही हूँ, मेरे सामने आदित्य खड़ा था। जीवन में कभी आदित्य मुझे इस रूप में मिलेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन जीवन का बहुत बड़ा सच मेरे सामने था। ए, क्या हो गया? शिशिर ने मुझे टोका। नमस्ते मिस्टर राय, मैंने बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़े। उनका औपचारिक स्वागत करके मैं अंदर आ गई। रसोई में आकर अपनी बेकाबू सांसों पर काबू पाने की कोशिश की। कैसे सामना करूं मैं उस आदमी का जिसने जीवन में सिर्फ मुझसे ही प्यार किया और मैंने हमेशा उसकी चाहत को ठुकराया, जिसके जिक्र से भी मुझे एक लिजलिजेपन का एहसास होता था। आज वही व्यक्ति मेरे पति का बॉस है। तभी शिशिर की आवाज़ आई, अरे भाई कहाँ रह गई? हाथों में ट्रे पकड़े ही मैंने शिशिर को आवाज़ दी। मेरी शक्ल देखते ही शिशिर घबरा गए। क्या हुआ ज्योति, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, बस यूं ही चक्कर सा आ गया था। तुम अभी बैठो, आराम करो, खाना खाने में अभी वक्त है। बाजार से कुछ लाना हो तो बता दो। नहीं, सब कुछ तैयार है, मैंने जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का प्रयास किया। शिशिर मेरा गाल थपथपा कर चले गए और मैं वहीं पलंग पर धप से बैठ गई।
मेरी नम आंखों में अतीत नाच उठा। कॉलेज में मुझसे 2 वर्ष सीनियर था आदित्य, काला रंग, बाहर को निकले दांत और दुबला पतला शरीर, ढीली ढाली पैंट शर्ट में वह हमारे ग्रुप में कार्टून दिखता। पढ़ने में जरूर होशियार था वह। एक बार रैगिंग के दौरान सीनियर से बचाया था उसने मुझे। मैंने हौले से मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया था। मैं इस बात से अनजान थी कि धीरे धीरे आदित्य मुझे चाहने लगा है। मैं कॉलेज में जहाँ से भी गुजरती उसकी आंखें मेरा पीछा करती रहती। कॉलेज के वार्षिक उत्सव में हम दोनों ही प्रथम आए। मुझसे हाथ मिलाकर वह मुझे विश करने आया था। मैंने बस हाय और सेम टू यू कहकर जल्दी से उससे पीछा छुड़ा लिया था। लड़कियां मुझे छेड़ती, ज्योति तेरा मजनू लैला की तरह काला है और तू हीर की तरह गोरी। लेकिन 1 वर्ष बीतने पर भी आदित्य की वही प्रतिक्रिया रही। वह जिन नज़रों से मुझे देखता उनमें मासूमियत एवं बेचारगी भरी होती। एक दिन कॉलेज के खाली पीरियड में जब लाइब्रेरी में बैठी मैं कोई नोट्स तैयार कर रही थी, वह मेरे पास आया और बड़ी मासूमियत से कहने लगा, ज्योति मुझसे शादी करोगी? मैं तो जैसे आसमान से आ गिरी। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर जोर से हंस पड़ी। डोंट बी सिली मिस्टर आदित्य, आपको पता है आप क्या कह रहे हैं। हाँ ज्योति, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या जीवन के सफर में मेरी साथी बनोगी? मैं अभी शादी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, शादी मेरे सेटल होने के बाद ही होगी। बस अब मुझे क्रोध आ गया। सुनो मिस्टर आदित्य, यह मेरा BSc का 3रा वर्ष है, मुझे अपना करियर बनाना है, तो शादी का तो प्रश्न ही नहीं उठता। रही आपसे शादी करने की बात, तो शायद कोई अंधी ही होगी जो आपसे शादी करेगी। क्रोध से भरी मैं वहां से उठकर चली गई। आदित्य के चेहरे की बेचारगी देखने के लिए मैं वहां रुकी नहीं। आदित्य का वह आखिरी साल था, पेपर देकर वह चला गया, फिर मुझसे कभी नहीं टकराया, ना मैंने ही जानने की कोशिश की कि वो कहाँ है। BSc के बाद ही मैंने नौकरी कर ली और 2 वर्ष बाद ही मेरी शादी शिशिर से हो गई। ज्योति क्या हुआ? शिशिर मुझे पुकार रहा था। मैं घबरा कर उठ बैठी। कुछ नहीं, यूं ही जरा आंख लग गई थी। खाना लगाऊं क्या? श्योर, हाँ पराठे तुम लाई थी ना? हाँ, बस अभी गर्म करती हूँ। मैं चुपचाप खाना मेज़ पर लगाने लगी। खाना स्वादिष्ट था, यह सुब्रतो ने कहा था। आदित्य चुपचाप खाना खाता रहा। मैं धीरे धीरे सर्व करती रही। वे लोग राजनीति पर बातें करते रहे, नई और पुरानी साझा सरकारों पर चर्चा होती रही। खाने के बाद सुब्रतो ने बाथरूम पूछा तो शिशिर उसे बाथरूम दिखाने चला गया। आदित्य हाथ धो चुका था और जेब में हाथ डाले खड़ा था। अभी तक नाराज है मुझसे? नहीं ज्योति, गलती तुम्हारी नहीं थी। हर कोई सुंदरता ही चाहता है, लेकिन तुम कुरूप होती तब भी मैं तुम्हें इतनी ही शिद्दत से चाहता। आदित्य, तुम्हारा परिवार, मेरा मतलब तुम्हारे बीवी बच्चे कहाँ हैं? आदित्य हंसा। तुम्ही ने तो कहा था ज्योति कि मुझसे कोई अंधी लड़की ही शादी करेगी। अब अगर मैं अंधी लड़की लाऊं तो उसकी देखभाल कौन करेगा? इससे अच्छा है कुंवारा ही मर जाऊं। तभी वहां शिशिर आ गए। अरे ज्योति, तुम्हें नहीं पता हमारे आदित्य जी अभी तक कुंवारे हैं, कोई लड़की बताओ ना इनके लिए। मैं जबरदस्ती होठों पर मुस्कुराहट ले आई। रात में मैंने शिशिर को कुरेदा, यह तुम्हारे बॉस अभी तक कुंवारे क्यों हैं? क्यों भाई, तुम्हारा इरादा तो नेक है ना? शिशिर ने मुझे छेड़ा। शिशिर की बात पर मैं हंस दी। फिर ना कभी आदित्य आया, ना उसका घर में कभी जिक्र ही हुआ। समय इसी तरह बीतता रहा। साल के अंदर ही शिशिर का तबादला मुंबई हो गया और हम दिल्ली से मुंबई आ गए। वहाँ व्यवस्थित होने में कुछ समय लग गया। 4 साल के अंदर ही निकिता और तरु पैदा हो गए। मैं भी वहीं एक कंपनी में लग गई।
क्योंकि बच्चों के जन्म के समय मैंने नौकरी छोड़ दी थी। अम्मा पापा पटना में थे, इतनी दूर से यहाँ आने में उन्हें दिक्कत हो रही थी, घर भी ज़्यादा दिनों तक नहीं छोड़ सकते थे। मेरी माँ भाई भाभी के पास बेंगलोर में रहती थी, एक लंबे समय तक कैसे कोई आकर मेरा परिवार संभालता, ऐसा संभव भी नहीं था। 8 वर्ष बीत गए, उस साल बेस्ट सेलिंग के लिए शिशिर को कंपनी की तरफ से अवार्ड दिया जाना था। यह अवार्ड मलेशिया में मिलना था, टिकट हम दोनों को ही दिया गया था। मैं बेहद खुश थी। पूरे 10 दिन का ट्रिप था, हमारी फ्लाइट मुंबई से थी। कंपनी की गाड़ी हमें लेने आई, बच्चों को हमने बेंगलोर माँ के पास भेज दिया था। फ्लाइट थोड़ी लेट थी। समय बिताने के लिए हम यूं ही टहलने लगे। हमारे कुछ शुभचिंतक जो हमें छोड़ने आए थे, उन्हें हमने वापस भेज दिया। तभी एक स्वर पर चौंक कर हमने मुड़ कर देखा, आदित्य खड़ा था। शिशिर जी, आप यहाँ? शिशिर ने भी चौंक कर देखा। आदित्य बहुत पहले कंपनी छोड़कर जा चुका था, ऐसा शिशिर ने ही मुझे बताया था। शिशिर ने भी गर्मजोशी के साथ आदित्य का स्वागत किया। हाँ, हमारी अभी यहीं से फ्लाइट है, कंपनी ने मुझे अवार्ड के लिए चुना है। बधाई हो, सुना था मैंने। सॉरी, तुरंत आपको विश नहीं कर सका। पैसा और रुतबा हर इंसान को नई चमक दे देता है। आदित्य का आज का व्यक्तित्व सालों पीछे छोड़े आदित्य से कहीं मेल नहीं खा रहा था। कहाँ वह आँखों पर मोटा चश्मा लगाए ढीली ढाली पैंट पहनने वाला लड़का, और आज कहाँ आज ग्रे कलर के सूट में उसका निखरा व्यक्तित्व। उसकी आँखों से एक आत्मविश्वास झलक रहा था। इसी बीच मेरी नज़र आदित्य के बगल में खड़ी एक अंग्रेज़ महिला पर पड़ी। तीखे नैन नक्श और सलीके से पहने वस्त्र, वह मुस्कुराते हुए हमारी बातें सुन रही थी। कौन हो सकती है यह लड़की? उसे देखने से तो लग रहा था कि वह आदित्य के साथ है। मीट माय वाइफ हेलेना। मैं चौंक पड़ी। तो क्या आदित्य की शादी हो गई, वह भी इतनी खूबसूरत लड़की के साथ? 8 वर्षों में अपने फैले शरीर से हेलेना की तुलना की, वह आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आई। शिशिर ने उससे हाथ मिलाया। पर जाने क्यों, मैं ऐसा ना कर सकी। मैं खुद को असहज महसूस कर रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से सिर्फ नमस्ते कर पाई। आपने शादी कब की? शिशिर ने पूछा। 4 वर्ष पूर्व। मैंने तो सोच लिया था कि शायद मुझसे कोई लड़की शादी नहीं करेगी, ऐसा किसी ने मुझे कहा भी था। कोई अंधी ही मुझसे शादी करेगी। मैं सांस रोके शांत खड़ी थी, लेकिन हेलेना के प्यार ने मुझे परास्त कर दिया। जाने इसे मुझ में क्या दिखा जो इसने मुझे अपनाया, इतना सारा प्यार दिया। हेलेना मुस्कुराकर आदित्य के सीने से लग गई। अचानक मुझे एक झटका सा लगा। सालों पहले अपनी कही बात मुझे याद हो आई। क्या आदित्य आज तक इस बात को दिल से लगाए बैठा है? मेरी आंखें शर्मिंदगी से झुक गईं। ठीक है, मैं उसे प्यार ना करती, पर उस पर कटाक्ष तो ना करती। आदित्य बता रहा था कि आजकल वह जेनेवा में है। हेलेना जेनेवा विश्वविद्यालय में प्रवक्ता है। सुंदरता एवं कुरूपता का यह सुंदर मिलन ना मैंने कभी यह देखा था ना सुना था। आदित्य आंखों में ढेर सारा प्यार लिए हेलेना को निहार रहा था। जाने क्यों आज अपनी नज़रों में मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी, बहुत ही कुरूप। आशा है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ सिखा कर भी गई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो एक लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं और यहाँ पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।